तो आज हम मेंस्ट्रुएशन 3D चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं उन सब का इंट्रो आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। चैप्टर मेंस्ट्रुएशन 3D क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th और वर्ल्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9th, क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताते चलेंगे कौन सा फिगर आपको डिस्कस करना है, कौन सा फिगर नहीं। वर्ल्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेंस्ट्रुएशन 3D का सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करते हैं। चलिए हम अपने मेंस्ट्रुएशन 3D की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेंस्ट्रुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर सबसे पहले प्रिज्म डिस्कस करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म, वह त्रिविमीय आकृति जिसका दोनों सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो और पार्श्व सतहें समतल हो प्रिज्म कहलाती है। आइए फिगर से समझते हैं। फिगर में यह एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा कोई दो सर्वांगसम त्रिभुज है और पार्श्व सतहें कोई समतल है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रिज्म का नाम होता है, इसका नाम है त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसी प्रकार से जब किसी प्रिज्म के ऊपरी सिरे व निचले सिरे चतुर्भुजाकार होते हैं तो इस टाइप के प्रिज्म को चतुर्भुजाकार प्रिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रिज्म के प्रकार। प्रिज्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, रेगुलर प्रिज्म, नियमित प्रिज्म, और नंबर टू, अनियमित प्रिज्म, इरेगुलर प्रिज्म। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा रेगुलर प्रिज्म, नियमित प्रिज्म। या वह त्रिविमीय प्रिज्म है जिसके दोनों सिरे सर्वांगसम सम बहुभुज होते हैं। सम बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, ठीक है। नियमित प्रिज्म आप लोगों ने लिख लिया है। इसका फेमस एग्जाम्पल है घन, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप लोग हेडिंग डालिएगा अनियमित प्रिज्म। यह वह त्रिविमीय प्रिज्म है जिसका दोनों सिरा सर्वांगसम सम बहुभुज त्रिभुज नहीं होता है, ठीक है। इसका फेमस एग्जाम्पल है घनाभ, ठीक। प्रिज्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। नोट कीजिएगा, जब किसी प्रिज्म के आधार, हेडिंग डालिएगा, जब किसी प्रिज्म का आधार n भुजाओं वाला बहुभुज हो तो प्रिज्म के शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है 2n, ठीक है, जहां पर n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। इसी प्रकार से किनारों की संख्या, प्रिज्म के किनारों की संख्या होती है 3n, ठीक है। इसी प्रकार से कुल सतहों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फेज होते हैं n+2। आइए इसका वेरिफिकेशन हम आपको इन दोनों फिगर से कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह प्रिज्म जिसका आधार त्रिभुजाकार है, इसका मतलब अगर हम इसको बहुभुज कहें तो इस बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या कितनी है? 3, यानी कि n की जगह हम कितना पुट करते जाएंगे? 3। तो अगर n की जगह पर हम यहां पर 3 रखेंगे तो इस त्रिभुजाकार प्रिज्म के कुल शीर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। तो आइए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शीर्ष दिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए इस त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल किनारों की संख्या कितनी है, तो 3, 3 = 9, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल सतहों की संख्या, तो अगर हम इनकी जगह 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, 3D फिगर है, 1, 2, पिछला वाला सिरा 3 और नीचे का सिरा 4 और ऊपर का 5, ठीक है, सतह 5, 5 सतहें होंगी,
ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के कितने प्रकार होते हैं और प्रिज्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि शीर्षों की संख्या कितनी होगी, किनारों की संख्या कितनी होगी, सतहों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रिज्म चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रिज्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट फिगर है, जैसे नियमित प्रिज्म के अंतर्गत आपका आता है घन, ये क्लास 10th और 9th वाले बच्चों को पढ़ना है, घनाभ आपको पढ़ना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट फिगर आपको पढ़ना है बेलन। तो आप लोग पहले इनका इंट्रो ले लीजिए, फिर इसके बाद इनका डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में देते रहेंगे। एक फिगर का एक वीडियो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उनको हम आपको देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए घन, फिगर नंबर 1, घन। घन किसे कहते हैं, आइए मैं सबसे पहले घन आपको बना के दिखा दूं, मैं घन यहां पर बना देता हूं। घन के लिए भी आप लोग एक एग्जाम्पल दिमाग में सेव कर लीजिए, पासा, लूडो का पासा, आप लोग घर में पासा यूज करते हैं, खेलते हैं, तो आप लोग इसके लिए वही एग्जांपल सेव कर लीजिए दिमाग में। घन या वह त्रिविमीय नियमित प्रिज्म है जिसका आधार वर्गाकार होता है। ठीक है, घन किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब आधार वर्गाकार है इसका मतलब क्या है, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, तो मान लीजिए वर्ग की लंबाई है a यूनिट, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी a यूनिट। अब ये प्रिज्म है तो आपको पता है पार्श्व सतहें होंगी, तो पार्श्व सतहों की क्या होती है ऊंचाई, तो यहां पर घन में इसकी ऊंचाई भी लंबाई चौड़ाई के बराबर होता है, यानी कि घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। समझ में आ गया घन। ठीक है, अब आप लोग दूसरी हेडिंग डाले होंगे घनाभ, आइए घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। या वह त्रिविमीय अनियमित प्रिज्म है जिसका आधार आयताकार होता है। इसके लिए आप लोग एग्जांपल दिमाग में सेव कर लीजिए, माचिस की डिब्बी, माचिस का जो डिब्बा आप लोग के घर आता है वो इसके लिए फेमस एग्जांपल हो जाएगा। घनाभ मैंने क्या बोला, यह वह अनियमित प्रिज्म है जिसका आधार आयताकार होता है, इसका मतलब आयत की क्या क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, चूंकि यह प्रिज्म है तो पार्श्व सतह होने के कारण इसकी ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई को हम लोग एच यूनिट से सपोर्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया, घनाभ भी अच्छे से समझ में आ गया। अब आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर घन में आपसे पूछ ले कुल सतहों की संख्या, कुल शीर्षों की संख्या, कुल किनारों की संख्या, तो आप अगर n की वैल्यू यहां पर, जैसे आधार आपको पता है चतुर्भुजाकार है तो 4 रखिएगा तो मिल जाएगा घन और घनाभ दोनों का। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा इंपॉर्टेंट फिगर आप लोग को जो पढ़ना है वो है बेलन। बेलन, बेलन किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा, या वह त्रिविमीय प्रिज्म है। देखिए प्रिज्म बोलने से आप लोग को तुरंत यह सेंस आना चाहिए कि जैसा आधार होगा वैसा ही सिरा होगा, है ना, जैसा आधार होगा, आधार आयताकार है तो सिरा भी कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। अगर आधार वृत्ताकार है तो सिरा कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार। तो मैंने क्या बोला बेलन के लिए, या वह त्रिविमीय प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। ठीक है, आपको पता है कोई वृत्त वृत्त है तो उसका केंद्र होगा और उसकी त्रिज्या होगी, तो हमने मान लिया इस वृत्त की रेडियस है स्मॉल r, और आपको पता है प्रिज्म होने के कारण पार्श्व सतहें होंगी तो इसकी ऊंचाई भी होगी, तो हमने इसकी ऊंचाई को h सपोज कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग अभी केवल दिमाग में सेव करके रखिए, हम आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियोस में देते रहेंगे। नोट क्या है कि कोई भी फिगर मेंसुरेशन 3D फिगर है, आप लोग याद कर लीजिए, मेंसुरेशन में कोई भी फिगर या दुनिया में कोई भी फिगर जो कि त्रिविमीय है, तो याद कर लीजिए उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका टोटल सर्फेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका कर्व सर्फेस एरिया होता है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हम आपको बताते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि घन का आयतन क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसी प्रकार से घनाभ और इसी प्रकार से बेलन, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रिज्म का इंपॉर्टेंट फिगर घन, घनाभ और बेलन का इंट्रो आपसे करा दिया है। ठीक है, आइए हम दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर अब आपको डिस्कस कराने वाले हैं, पिरामिड। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा फिगर नंबर 2, इंपॉर्टेंट फिगर है पिरामिड। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर पिरामिड। पिरामिड किसे कहते हैं,
वह त्रिविमीय आकृति जिसका आधार तो कोई समतल और पार्श्व सतहें त्रिभुजाकार हो पिरामिड कहलाती हैं। देखिए जो पार्श्व सतह त्रिभुजाकार होती हैं ये तीनों जितने भी त्रिभुज होते हैं ये ऊपर जाकर के जिस बिंदु पर मिलते हैं वो पिरामिड का शीर्ष होता है। ठीक है, आइए फिगर से समझते हैं। फिगर में यह एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, यह एक त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसका आधार कोई त्रिभुज और पार्श्व सतहें त्रिभुजाकार है। और देख रहे होंगे जो त्रिभुजाकार सतहें हैं ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल रहे हैं ये पिरामिड का कौन होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के पिरामिड का नाम क्या होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड, जिसका आधार तो कोई समतल और पार्श्व सतहें त्रिभुजाकार होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी फिगर का आधार चतुर्भुजाकार है और ऊपर कोई एक शीर्ष है, तो भी इस टाइप के बंद फिगर को हम लोग चतुर्भुजाकार पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी इसमें भी नोट करते चलिएगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट करते चलिएगा। जब किसी पिरामिड का समतल वृत्ताकार हो जाए या यन भुजाओं वाला बहुभुज हो जाए, पहले आप लोग ये नोट कीजिएगा, जब किसी पिरामिड का आधार एन भुजाओं वाला बहुभुज हो तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, कुल शीर्षों की संख्या कितनी होगी। आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कुल एड्स कितने होंगे, किनारों की संख्या कितनी होगी और कुल सतहों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पिरामिड जिसका आधार एन भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसके शीर्षों की संख्या होती है एन प्लस वन। ठीक है, उसके किनारों की संख्या होती है टू एन और उसके फेजेस के नंबर होते हैं एन प्लस वन, यानी कि कुल सतहों की संख्या होती है एन प्लस वन। ठीक है, आइए इसका वेरिफिकेशन भी हम आपको इन फिगर से करा देते हैं। देखिए जब कोई पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड है तो इसका मतलब उसका आधार कैसा होगा, तीन भुजाओं वाला होगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा, तीन। ये बहुभुज n तीन भुजाओं वाला बहुभुज है तो अगर n इज इक्वल टू थ्री यहां पर हम पुट करें तो इसका मतलब है त्रिभुजाकार पिरामिड में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए, फोर, वन टू थ्री फोर, दिख रहा है। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कुल किनारों की संख्या कितनी होगी तो n की जगह अगर आप 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 6। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 किनारों की संख्या समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल सतहों की संख्या कितनी होगी तो n की जगह 3 रखिएगा तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 1 2 निचला सिरा 3 और पिछला सिरा, 3D फिगर है तो पीछे भी होगा, कितनी सतह हो जाएंगे 4। समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप चतुर्भुजाकार प्रिज्म के चतुर्भुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या और कुल सतहों की संख्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये नोट कीजिएगा कि पिरामिड के अंतर्गत आप लोग को क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चों को कौन सा फिगर पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है इंपॉर्टेंट फिगर शंकु। शंकु की डेफिनेशन क्या है, या वह त्रिविमीय पिरामिड है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया था, शीर्ष तो एक बिंदु होगा और आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अगर आधार वृत्ताकार है और शीर्ष एक बिंदु है से मिलाने पर ये जो आपको बंद फिगर दिख रहा है यही आपका कौन है, शंकु है। अब आपको पता है अगर आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का केंद्र होता है और वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पिरामिड के शीर्ष से वृत्त के केंद्र को मिलाने पर या लंबवत मिलाने पर शंकु की ऊंचाई मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग शंकु की तिरछी ऊंचाई के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, तो आपको दिख रहा होगा शंकु में आधार वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या होगी,
शंकु की ऊंचाई होती है, चूंकि पिरामिड है पार्श्व सतहें त्रिभुजाकार होती हैं और शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। समझ में आ गया? तो इसके मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप लोग कोई भी फिगर पढ़ रहे हैं 3D में है तो उसका आयतन होगा, उसका सरफेस एरिया होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो उसी प्रकार से शंकु में भी इसका आयतन होता है, इसका सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में देते रहेंगे, ठीक है, लिखवाएंगे, इसको नोट करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को पिरामिड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे तीसरा इंपॉर्टेंट फिगर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है गोला। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गोला। गोला किसे कहते हैं? वह त्रिविमीय आकृति जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है, गोला कहलाती है, ठीक है। आइए हम फिगर से आपको समझाते हैं। ये 3D फिगर है, इसके लिए आप लोग एग्जांपल दिमाग में सेव कर लीजिए, बॉल, कोई भी गेंद, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी भी आप दिमाग में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसी स्थिर बिंदु से, जिसको हम लोग गोले का केंद्र भी बोलते हैं, गोले का केंद्र से समान दूरी पर बिंदु स्थित होते हैं, जिसको हम लोग समान दूरी को गोले की रेडियस भी बोल देते हैं, है ना, गोले की त्रिज्या बोल देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं गोले की त्रिज्या है आर यूनिट। तो आप लोग को समझ में आ रहा है फिगर के अकॉर्डिंग गोला किसे कहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित, इसी से संबंधित हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फिगर और पढ़ना है, जैसे अर्धगोला, जैसे गोलीय कोष, अर्धगोलीय कोष, चार इंपॉर्टेंट फिगर हैं। हम आपको फिगर समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फिगर जो आपके सामने हम बना रहे हैं, ये आपका अर्धगोलीय है, इसी को हम लोग गोलार्ध भी बोलते हैं, ठीक है। गोलार्ध कब मिलता है, जब किसी गोले को व्यास के सापेक्ष प्रतिच्छेदित किया जाए, काटा जाए, तो फिर जो भी आपका आधा टुकड़ा दिखाई पड़ता है यही आपका कौन होता है, अर्धगोलीय या गोलार्ध। गोलार्ध की भी रेडियस होगी, गोलार्ध का भी केंद्र होगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने आपसे कहा हम आपको गोलीय कोष भी पढ़ाएंगे। गोलीय कोष मतलब ये होता है किसी ठोस गोले में से, उसके अंदर से कोई ठोस गोले का टुकड़ा काट कर निकाल लिया गया। जैसे ये आपका कोई ठोस गोला है, इसमें से, इससे कम त्रिज्या वाला कोई ठोस गोला काट के निकाल लिया जाएगा, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर आपका किसका हो जाएगा, गोलीय कोष का। इसकी खासियत क्या है, केंद्र समान होंगे, त्रिज्याएं भिन्न भिन्न। तो मान लीजिए बड़े वाले गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर और छोटे वाले गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अर्धगोलीय कोष भी पढ़ना है। अर्धगोलीय कोष को भी हम आपको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह आपका अर्धगोलीय, इसी गोलीय कोष को व्यास के सापेक्ष प्रतिच्छेदित किया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्धगोलीय कोष। अर्धगोलीय कोष में भी आपका केंद्र होगा, छोटे गोले की भी त्रिज्या होगी और बड़े गोले की भी रेडियस होगी, फाइन, ठीक है। इन सब फिगर का, जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर हमने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इन सब फिगर का वॉल्यूम होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और आगे हम आपसे अब हर एक फिगर का इंट्रो डिटेल वाइज करते जाएंगे, ठीक है। आप सबको ये वीडियो समझ में आया है, फाइन, थैंक यू वेरी मच।